के है एकादशी। और आज हमने घर की थोड़ी सी सेटिंग बदल दी है क्योंकि गर्मी होने लग गई है। ये देखो रिजाइन दो बाबा की बाहर तो पंखा चल रहा है वो लग गई ना भाई शोर में सर्दी ना रुको कठे गए हो तो देख सकते हो कितना बारिश है पूरा है। रोज तो हर चीज को हटा के झाड़ू लगा नहीं सकते और क्या दाएं बाएं हटाई है ना तो बहुत ही ज्यादा निकल के आया है कूड़ा। और खेत का एक चक्कर हमने लगा दिया है लाइन चला दी है और कह लिया कि एक रोटी लेकर आए हैं और अब जाएंगे 11 बजे दोबारा 10 बजे तक काम ना हो भाई 11 बजे तक। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं धो रही हूँ कपड़े। ये एम योगी की ड्रेस में जो शर्ट होती है वाइट कलर की उसमें दे रही हूँ नील। और मशीन चल रही है अभी। आज मैंने दो चार जो सर्दियों के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं रजाई के कवर और गरम चादर जो योगी भी छाती थी वो धो दी हैं सारी। इधर मशीन चल रही है आप देख सकते हैं। और इसके बाद लगाएंगे पोचा। और धूप बहुत तेज़ होने लग गई है सुबह जल्दी जल्दी भाई जो काम निपट जाए वो निपट जाए। बाद में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है लेकिन भाई हमारा तो ये देखिए पूरे दिन चलता रहता है काम क्योंकि खेत का काम है ना इस कारण से क्योंकि खेत में चले जाते हैं तो काम हो जाता है लेट। अगर घर घर का हो तो जल्दी निपटा ले क्योंकि गाँव में सभी जल्दी उठ जाते हैं। तो पोचा लगाएंगे। और भाई एक बहन कह रही थी कि अपनी शक्ल देख तो उसने मैं सबसे पहले यो बात बता दूँ भाण मेरी शक्ल मेरे काम आवेगी और जो मेरी शक्ल है ना वो मेरा घर का बहुत अच्छी लग गए है। ठीक है थम अपनी शक्ल देखो मन्ने थारी शक्ल उधार ही नहीं चाहिए। अगर भाई मन्ने थारी शक्ल चाहिए से मांगी से तो मन्ने थारी शक्ल दे दो ना। वो एक बात थी कि किसी ने अपने लड़के के लिए खाना भेजा था और ये इधर तथे यह है वो देख लो। तो किसी ने अपने लड़के के लिए खाना भेजा था तो वो बोली भाई क्लास में दिए ये तो बोली भाई ने किसने दियो मैंने तो पिछाण को ना बोली क्लास में सब ते सुंदर मिलेगा वो मेरा ही है उसने दे दिए। तो बोली ठीक है वो गई खाना देने के लिए तो उसका बेटा काना था क्लास में उसने तो अपना ही सब ते सोना लग गया वो दिया ही देखा ही बोली दिया ही बोली हाँ दिया ही बोली किसने देखा ही बोली बाने तने नू कही थी जो क्लास में सब ते सुंदर लग गए उसने दे दिए तो मैंने तो मेरा बेटा सब ते सुथरा लग गया बोली तेरा तो काना है तो बोली वो बेशक किसाई है मैंने तो वो है बहुत सोना लग गया। ठीक है तो बाण मेरी शक्ल मेरे काम आओगी मेरी शक्ल है ना वह मेरा घर का बहुत अच्छी लग गए सर मन्ने भी मेरी शक्ल अच्छी लग गए से ठीक से मन्ने तेरी शक्ल ना चाहिए और मन बेरा है वो मेरी वीडियो देखे हैं और देख ले गिर समझ जाओगी कि मैं किसने कह रही हूँ। ठीक मन किसी की शक्ल ना चाहिए अपनी ने रखो। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं पशुओं को बाहर निकाल रही हूँ दिन में बांध देते हैं अंदर क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। और भाई ये हो गया है मेरा दूध का टाइम तो मैं निकाल रही हूँ दूध। दूध काटने के बाद मैं फिर से खेत में जाऊँगी और आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि पूरा दिन खेत खेत करती रहती है। तो भाई देखिए खेत का काम है तो बताऊँगी ज़रूर। और इसकी पूँछ बांध देती हूँ क्योंकि बार बार में पूँछ मारती है तो इस वजह से इसके मैं पूँछ बांध देती हूँ। उधर रेमू बैठा हुआ है पढ़ाई तो इनको करनी नहीं है क्योंकि पूरा दिन फ़ोन चाहिए गेम चाहिए और एग्ज़ाम चल रहे हैं। मुँह के दो एग्ज़ाम बचे हुए हैं और दो योगी के।
और अब आ गए हैं हम छत पे। तो आज सुबह में जो चादर कुशन कवर जो भी धोए थे वो उतारने के लिए, क्योंकि नीचे जो तार बांधा हुआ है वो फुल हो गया था कपड़ों से, तो इनको ऊपर डाल दिया था चादर को और कुशन कवर को। और इधर देखिए घर के पीछे बिल्कुल खेत हैं, और ये लेबर लगी हुई है तो सरसों लगा रही है। और इधर मैं बातें कर रहे थे, वो सुन रही थी, बच्चे के पीछे लगे हुए थे कि अभी रोएगा रोएगा रोएगा, तो वो बातें सुनने लग गई थी। और खेत से हमारा घर बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल भी। और ये पीछे लोगों ने पथवारे बनाए हुए हैं गोबर थेपने के लिए, और ये चारपाई टूटी हुई है तो ये छत पे डाल दी थी, क्योंकि पीछे हलवाई लगे थे टीन में, तो ये पीछे वाली जो तूड़े वाली टीन है उसमें रखी हुई थी, तो इनको रख दिया है छत पे फिलहाल, क्योंकि टूटी हुई है। तो यहाँ मैंने कर दी है पकोड़े बनाने की तैयारी। बेसन छान के ले लिया है, आलू प्याज ले लिए हैं, इसमें आलू प्याज की पकोड़ी बनाएंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है हींग, जीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च, ये सब डाल दिया। हरी मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि ये गेहूं नहीं खाएंगे। तो अब इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे पानी, और पानी और मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया था। तो ये देखिए हमारा घोल बनकर हो गया तैयार। लगभग 15-20 मिनट बाद हम इससे पकौड़ियाँ बनाएंगे। इधर दूध गर्म हो गया है, पहले मैंने बना दी है रोटी। योगी ने सब्जी और रोटी ले ली है, देखिए कितनी बड़ी कटोरी में इसने सब्जी ली है। तो बोल रही थी सब्जी यही है, तो सुबह में बनाई थी छोले की सब्जी, तो योगी को पसंद आई छोले की सब्जी, तो वो खा रही है एक रोटी और इसके साथ। और रोटी बनाने के बाद माँ जी की योगी की रोटी बनाई थी, लेकिन इन्होंने पकौड़ी भी खाई थी, वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और इधर मेरी पकौड़ी बननी हो गई है शुरू, तो आप सब भी आ जाइए। और भाई मैं तो ऐसा करती हूँ कि किसी की वीडियो देखती हूँ और कोई कुछ बना रहा है और पसंद आ जाए तो मैं तो बना लेती हूँ। ऐसा किस किस के साथ होता है कि वीडियो देख कर कुछ बनाने का मन करता है, तो ये बात प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो बना लेती हूँ, तो इधर मैं बना रही हूँ। 2-3 दिन से भाई मेरे मन में आ रही थी पकोड़ी की, तो आज मैं बना दी है पकोड़ी। आ जाओ आप सब भी आलू प्याज की पकोड़ी गर्मा गर्म खाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। वीडियो को देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो।